ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपन मेडिटेशन अर्थात ध्यान योग के बारे में। ध्यान योग एक ऐसी क्रिया है जिसके जरिए इंसान एक सामान्य इंसान से दिव्य रूप में, देवता रूप में हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ ज्ञान होता है, कुछ प्रैक्टिकली प्रयोग होते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें, ध्यान योग कैसे करें। ठीक है, अब बहुत सी संस्थाएं होती हैं, है होती क्या है, जिसमें अलग अलग तरीके से उसमें मेडिटेशन के बारे में ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, शायद मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में ब्रह्मा कुमारी के बारे में बताया था। वो मैंने ऐसे बताया था कि आपको कुछ समझ में ना आए तो आपके आसपास के क्षेत्र में कोई है तो वहां से थोड़ा बहुत आइडिया आप ले सकते हैं, ताकि आप एक अध्यात्मक क्षेत्र में जुड़ सकते हैं। मैंने मेरे कहने का मतलब ये था कि आप अध्यात्मक क्षेत्र में जुड़ सकते हैं, मैंने ऐसे नहीं कहा था कि आप उसको पकड़ के रखें। ठीक है, तो आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान योग करना चाहते हैं, तो आज का एक ऐसा ही फॉर्मूला बताएंगे जिसके जरिए आप अपने घर पर अपने प्रैक्टिकल से मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान योग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अपने जीवन में अनुभव भी करेंगे और अनुभव भी ऐसे कि तुरंत आपको अनुभव। चलो आप शुरुआत कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपने को एक एकांत स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ पर शोरगोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी आपके छत पर कोई कमरा है, आप एकांत में कहीं खेत में हैं, कहीं ऐसी अच्छी जगह में हैं जहाँ पर आप एकांतवासी रह सकते हैं। कुछ मिनट आप कर सकते हैं, फिर आप इसको धीरे 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 बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन का ये प्रयोग रखना है कि किस तरीके से आपको करना है। मेडिटेशन में कई सारे प्रयोग होते हैं, कोई मंत्र के साथ में करते हैं, ठीक है, कोई किसी गाने के सॉन्ग के साथ में करते हैं, कोई किसी बिंदु को देख के कर सकते हैं, कोई किसी न किसी दूसरे माध्यम से कर सकते हैं। आज हम बताएंगे कि आप केवल श्वास के माध्यम से कर सकते हैं और वो ही सबसे बेहतर होता है अपने सोल पावर को बढ़ाने के लिए, यानी आप अपने स्वयं के मन पर स्थिर रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी श्वास की जो श्वास है उसको, सांसों को स्थिर रखना पड़ेगा, तभी आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। ठीक है, एक स्थान लीजिए, ले लिया आपने, मान लीजिए अब आप वहां पर एक ऐसा कुछ बिछा दीजिए जिस पर आप बैठ भी सकते हैं और सो भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये रखनी है कि जो भी आप कपड़े पहने हुए हैं, इसके अलावा आपने नीचे जो बिछाने का लिया है, उससे आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आपको बार बार खाज, खुजली या किसी न किसी प्रकार का कोई सूजन हो रहा है जिससे आपको परेशानी हो रही है, बार बार में हाथ हिलाना पड़ रहा है, पैर हिलाना पड़ रहा है या आपका ध्यान भटक के वहाँ जा रहा है, तो ऐसा कोई भी कपड़ा है, आसन है, ऐसा कोई भी मत लीजिए। ठीक है, ये करने के बाद में आप शांत वातावरण में, मैं आपको बता देता हूँ कि आप सो जाइए। ठीक है, जैसे ही सोने का एक प्रक्रिया होती है, जैसे पास्ट लाइफ पीएलआर में जाते हैं, वैसे आप सो गए आप सीधे बिल्कुल। ठीक है, सोने के बाद में आप धीरे धीरे अपनी बॉडी है उसको ढीला करना शुरू कर दीजिए, यानी एकदम स्थिरता के साथ में ध्यान हटाना शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले आप उसको करने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना है, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया के साथ में करो जिससे आपको एक सेकंड में सुन शान शरीर बॉडी लगना शुरू हो जाए। तो क्या करना है कि आप अपने ध्यान को जैसे ही मस्तिष्क की क्रियाओं पर लेके आए, उस समय आप अपने श्वास को बंद कर दीजिए, रोक दीजिए, एक सेकंड, दो सेकंड, दस सेकंड, 15 सेकंड तक रोक लोगे अपने श्वास को और आपके ध्यान को मस्तिष्क में स्थिर रखते ही ध्यान को रोक दीजिए। जैसे ही आप रोकेंगे, आप रोकने के बाद में ऐसा महसूस करो कि आपका शरीर धीरे धीरे बिल्कुल स्थिर होता जा रहा है,
शिथिलता के साथ सिक्रोन हो रहा है, यानी आपका हाथ पैर कुछ महसूस नहीं हो रहा है धीरे धीरे धीरे। अब आप वापस, अगर आपको ज्यादा समय नहीं कटता है 5-15 सेकंड से ज्यादा, तो एक बार श्वास लीजिएगा, एक दो बार लीजिएगा, 5 बार लीजिए, वापस अपने श्वास को रोक लीजिएगा। ऐसा आप धीरे 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 2-4 बार करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, तुरंत ही अनुभव हो जाएगा, उसी समय अनुभव हो जाएगा कि आप मेडिटेशन के ध्यान के माध्यम में चल रहे हैं 100% आप करना शुरू कर दो। ठीक है, अब आप ऐसे करेंगे तो आप धीरे 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 अपने शरीर को छोड़ना शुरू कर दीजिएगा, यानी आप केवल फिर आपकी जो श्वास श्वसन नलिकाएं हैं नासिका की यानी नाक की, वहां पर आप केवल श्वास का ध्यान देना शुरू कीजिएगा। पहले स्थिर रह गए आप एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार श्वास रोक के फिर जो श्वसन क्रियाएं होती है नाक द्वारा उस पर ध्यान दीजिएगा। श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसमें जोर नहीं लगाना, किसी प्रकार का ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी बॉडी को कोई इफेक्ट हो, कोई प्रभाव हो कि आपका ध्यान भटक के वहां पर दर्द पे जाए, किसी न किसी पर जाए और आपका ध्यान वहां पर जाके रुके, तो ऐसा नहीं करना। आप ऐसा मामूली सा 1-2 मिनट कीजिएगा, धीरे धीरे आपकी श्वास से आपकी नाभि की और आपको महसूस हो, फिर आपको नाक की क्रियाएं है हो रही है ना श्वास वाली, वो हट जाएगी और फिर आपकी जो क्रियाएं है वो आपको नाभि से जुड़ेगी, यानी आपकी नाभि हिल रही है वो आपको महसूस होगा, ना कि नाक की नासिका से होने वाली वो बिल्कुल वहां से भी हट जाएगा। ये प्रक्रिया आपको धीरे 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 5-10 मिनट ऐसे बढ़ाते, और ये प्रक्रिया जब भी आपको दिन में टाइम मिलता है 2-5-10 बार शायद 5 मिनट ही कीजिएगा, 10 मिनट ही कीजिएगा, लेकिन इसको जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप करेंगे उतने ही ज्यादा आप 3-5 दिवस के अंदर अंदर ध्यान की इस क्रिया में जाना शुरू हो जाएंगे, और ये जाना शुरू करेंगे तो 5 दिन के अंदर अंदर आपको फिर ऐसा महसूस होगा कि आप एक एकांतवासी बनना शुरू हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि जब भी टाइम मिले तब आप खुद ऐसी क्रियाएं करना चाहेंगे, अपने मन में ऐसे चाहेंगे कि यार अब मैं वो करूँ, अब मैं वो करूँ। जैसे ही आप निवृत्त होंगे किसी काम से, जब भी आपके मन में ऐसा ही ख्याल आएगा कि अब मैं वापस करूँ, अब मैं वापस करूँ, अब मैं वापस करूँ, बस ये आना शुरू हो जाएगा। और जब ये आता है, ऐसा मौका आता है, तो उसको छोड़ना भी नहीं है, उसको करते ही रहना है। जैसे आपके मन में आ गया कि अभी मेरे पास में 15 मिनट है, मैं उसको 10 मिनट तक कर देता हूँ, तो उस मौके को नहीं गंवाना है, ये करना है। और ये ही किया हुआ आपके सोल पावर को आगे बढ़ाएगा, सोल पावर को मजबूत करेगा, आपका मेडिटेशन क्रियाएं वो आगे, और ये लगातार अगर आपका अगर 2 महीने तक हो जाए तो समझ जाना कि आपकी सोल पावर इतनी पावरफुल हो जाएगी कि छोटा मोटा कोई भी तांत्रिक या कोई कैसा भी होगा सोल हीलर वगैरह वो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, और आप एक ज्ञान के माध्यम में इतने गहरे तक चले जाएंगे कि आप वो स्वप्न के माध्यम से कई सारी ऐसी शक्तियों का प्रभाव है जो दिखना शुरू हो जाएगा, कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जो आपको कुछ बताना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक बिना मंत्र, कई सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो आपके जीवन में कई वर्षों से झंझोर कर रहे हैं, किसी न किसी क्वेश्चन मार्क पर आके रुके हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं था, उनके रहस्य उजागर होने शुरू हो जाएंगे, उनकी हकीकत है, वास्तविकता है कि उन लोगों ने कब कब क्या क्या किया था, वो आपके सामने स्वप्न के माध्यम से सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, और फिर आप एक दिव्य पुरुष होने की कगार पर रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल प्रयोग है जो एक शून्य की साधना में जाते हैं, और अपने जीवन को एक आपने शब्द सुना होगा भगवान ओशो मानते हैं, जिनको भगवान ही कहते हैं, ओशो एक कैसे ज्ञानी थे कि संभोग से समाधि तक, यानी उस शब्द को कभी किसी ने समझा नहीं, उस शब्द को कभी किसी ने नहीं समझा है। इसके बारे में एक स्पेशली मैं वीडियो बनाऊंगा जो काफी अच्छी जानकारी है, मैंने इसको पढ़ा नहीं है,
लेकिन उस शब्द में ही बहुत सारा ज्ञान है, उस शब्द में ही ऐसा रहस्य है जिसको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एक मतलब 50% तो आप ऐसे ही जान लेंगे, उस शब्द से ही जान जाएंगे कि हकीकत उसका क्या था। लेकिन लोगों ने उस चीज को गलत तरीके से समझा, गलत तरीके से सोचा और गलत उदाहरण पेश किया। तो ये क्रियाएं होती हैं जीवन की, जिस राह से ये जीवन गुजरता है और वो ही एक जीवन का समाधि स्थल बनता है, यानी शून्य की अवस्था बन जाती है। तो आज के मेडिटेशन में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों के साथ में इसको अच्छे से ध्यान और मेडिटेशन करने का मौका। ओम नमः शिवाय।